एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या आली मदद। आप सबको हैप्पी स्टैम्पीडिंग। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। पिछले दिनों महाशिवरात्रि के मौके पर पीएम ने कोयम्बटूर में 112 फीट की शिव प्रतिमा का उद्घाटन किया था। इस दौरान उनकी प्रशंसक शिल्पी तिवारी ने प्रधानमंत्री को ट्वीट करके कहा, मुझे आपका शिव स्टॉल चाहिए। उस महिला को 21 घंटे में उनका ये खास गिफ्ट पीएम मोदी की ओर से पहुंच गया। इस स्टॉल पर शिवजी की बेहद खूबसूरत तस्वीर छपी हुई थी। अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी आगामी भारत यात्रा के दौरान 2008 में मुंबई हमलों में बचे इजरायली बच्चे मोशे होल्सबर्ग को साथ लाने की पेशकश की है। पश्चिम बंगाल में फैली सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बूथ स्तर पर शांति रक्षक बलों का गठन करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल यात्रा के दूसरे दिन 5 जुलाई को तेल अवीव कनेक्शन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 70 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय पीएम का इसराइल आना खुशी का भी अवसर है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि इसराइल में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मुंबई दिल्ली तेल अवीव विमान सेवा शुरू किए जाने की घोषणा भी की। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य कोरिया जिले में जीएसटी लागू होने को कुछ घंटों के बाद पैदा हुई एक बच्ची का नाम जीएसटी रखा गया। लोग बच्ची को देखने के लिए आ रहे हैं। आयकर विभाग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार की 300 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है। देश के 94 शहरों में प्रदूषण पीएम 10 तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नंबर 1 है और दिल्ली चौथे नंबर पर है। वहीं दूसरी तरफ देश के 5 शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फैलने के मामले में राजधानी दिल्ली टॉप पर है। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने राज्य सरकार से थिएटर मालिकों और वितरकों के स्थानीय निकाय के फिल्म उद्योग पर लगाए 30% कर को वापस लेने की बुधवार को अपील की। सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस की मदद के लिए बीएसएफ के 400 जवान मौके पर भेजे। पुलिस ने पोस्ट करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसराइल में तेजी से पंखुड़ियाँ खोलने को बेताब इसराइली गुलदाउदी फूल का नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया, जो इस समय इस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिनों की यात्रा पर मंगलवार को इसराइल पहुंचे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनकी अगवाई की। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इसराइल यात्रा है। करीब 3 दशक तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद एक बुजुर्ग कपल ने शादी कर ली है। जिले के मिठौली कस्बे में 76 साल के नोखेलाल मौर्य ने 70 साल की राम देवी से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। मौर्य पेशे से किसान हैं और दोनों 4 बेटियों के माता पिता हैं। नोटबंदी के बाद आए 500 और 2000 रुपए के नोट के बाद अब सरकार 200 रुपए का नोट ला रही है। आरबीआई ने इसकी छपाई के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे लोगों को पैसे के लेन देन में सहायता मिलेगी। पुराने नोट बदलने की तारीख को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए दोबारा मौका क्यों नहीं दिया गया है। केरल के प्रसिद्ध पद्मस्वामी मंदिर ने 8 बेशकीमती हीरे गायब होने का चौंकने वाला मामला दर्ज किया है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ जैसे हालात हो गए। गुजरात में बारिश से जुड़ी घटना में मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल ने भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल का पदभार संभाला। उन्होंने मुकुल रोहतगी की जगह ली है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित 22 राज्यों ने माल एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था लागू होने के 3 दिन के भीतर चेकपोस्ट हटा दी है। असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों सहित 8 अन्य राज्य भी चेकपोस्ट हटाने की प्रक्रिया में हैं।
उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की ओर से जमानत और अवमानना के लिए उन्हें सुनाई गई सज़ा को वापस लेने संबंधी याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। देश भर में वस्तु एवं सेवा कर GST 1 जुलाई से लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के चार्टर्ड अकाउंटेंटों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो CA को अपना काम ईमानदारी से करना होगा। GST लागू होने से 48 घंटे पहले 1 लाख कंपनियां पर ताला लग गया और 1 लाख से अधिक कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय इसराइल दौरे की आखिरी दिन हैफा शहर गए। इस शहर का भारत से बहुत पुराना रिश्ता है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जवानों ने इस शहर को तुर्कों से आज़ाद कराया था। यहां भारतीय सैनिकों की शहादत के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि वह उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंधों का विरोध करता है और प्योंगयांग के खिलाफ सैन्य विकल्प चुनना अस्वीकार्य है। अचल कुमार ज्योति ने देश के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। मुंबई स्थित एयर इंडिया के हेडक्वार्टर से कई बेशकीमती पेंटिंग्स खो जाने की खबर सामने आई है। इन पेंटिंग्स की कुल कीमत 200 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। सौंदर्या रजनीकांत और आर अश्विन का 7 साल बाद तलाक हो गया है। सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने पिछले साल डिवोर्स फाइल किया था। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। स्टैम्पीड की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अगले हफ्ते इसी समय आज के दिन सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आगे दीजिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।